कुछ इस अंदाज से शौके मसीहाई बताता है, कुछ इस अंदाज से शौके मसीहाई बताता है, वो खंजर घोंप कर घाव की गहराई बताता है। कुछ इस अंदाज से शौके मसीहाई बताता है, वो खंजर घोंप के घाव की गहराई बताता है। पुलिस थाना कचहरी छल हिकारत घर का बंटवारा। कुछ इस अंदाज से शौके मसीहाई बताता है, वो खंजर घोंप कर घाव की गहराई बताता है। पुलिस थाना कचहरी छल हिकारत घर का बंटवारा, जो दुश्मन ना बता पाया वो दिन भाई बताता है। जो दुश्मन ना बता पाया वो दिन भाई बताता है। काए शेर के अशरफी और दिनारों के जमाने लद गए कब के। कुछ इस अंदाज से शौके मसीहाई बताता है, कुछ इस अंदाज से शौके मसीहाई बताता है, वो खंजर घोंप के घाव की गहराई बताता है। पुलिस थाना कचहरी छल इखारत घर का बंटवारा, जो दुश्मन ना बता पाया वो दिन भाई बताता है। कि अशरफी और दिनारों के जमाने लद गए कब के, मगर वो है कि खुद को अब भी मुगलाई बताता है। अशरफी और दिनारों के जमाने लद गए कब के, अशरफी और दिनारों के जमाने लद गए कब के, मगर वो है कि खुद को अब भी मुगलाई बताता है। और पीछे जो कतारों में बैठे हैं मेरे भाई लोग, ये शेर समझेंगे। भाई साहब वो गुलदस्ता तो बाद में दीजिएगा, ये शेर सुनिए आप, मोहित शेर सुनिएगा। क्या अशरफी और दिनारों के जमाने लद गए कब के, मगर वो है कि खुद को अब भी मुगलाई बताता है। मेरे भारत तुझे इतना भरोसा क्यों है नेता पर। मेरे भारत तुझे इतना भरोसा क्यों है नेता पर, ये केवट राम को भी ना उतराई बताता है। मेरे भारत तुझे इतना भरोसा क्यों है नेता पर। मेरे भारत तुझे इतना भरोसा क्यों है नेता पर, ये केवट राम को भी ना उतराई बताता है। शेयर बाजार ने जादूगरी भी सीख ली शायद, शेयर बाजार ने जादूगरी भी सीख ली शायद, कि मंदी बोलता है और महंगाई बताता है। शेयर बाजार ने जादूगरी भी सीख ली शायद, कि मंदी बोलता है और महंगाई बताता है, कि मंदी बोलता है और महंगाई बताता है। समय ज्यादा हो रहा है, आप बढ़िए तो नहीं। गजल का भाव मतला देखिएगा, यहाँ भजनों में और कव्वाली में मेरे जो आदर्श रहे हैं, मेरे बड़े भाई साहब परमानंद जी भारती, जिन्हें पूरा हिंदुस्तान जानता है, और अशोक भैया आपके फैन हैं, वो आपके कारण वहां से आए हैं। बहुत बड़े फनकार हैं हमारे नागपुर के परमानंद भारती जी, खुद बहुत अच्छे शायर भी हैं, खुद बहुत अच्छे शायर भी हैं, उनके लिए तालियां हो जाए। एक गजल का मतलब देखिए कि जिधर मेला लगा हो उस तरफ जाने नहीं देती, जिधर मेला लगा हो उस तरफ जाने नहीं देती, मेरी गुर्बत मेरे बच्चों को मुस्काने नहीं देती। जिधर मेला लगा हो उस तरफ जाने नहीं देती, मेरी गुर्बत मेरे बच्चों को मुस्काने नहीं देती, और बबलगम की तरह घंटों चबाती है मजे लेकर, सियासत कोई मसला जल्द सुलझाने नहीं देती। बबलगम की तरह घंटों चबाती है मजे लेकर, बबलगम की तरह घंटों चबाती है मजे लेकर, सियासत मैं गुलदस्ता नहीं दूंगा पर आपको शुक्का दे सकता हूँ। वही काफी है, वही आपका। नमस्कार। बबलगम की तरह घंटों चबाती है मजे लेकर,
सियासत कोई मसला जल्द सुलझाने नहीं देती कि कुछ इतनी भा गई हैं बोलियां कौओं की दिल्ली को, कुछ इतनी भा गई है जिधर मेला लगा हो उस तरफ जाने नहीं देती, मेरी गुर्बत मेरे बच्चों को मुस्काने नहीं देती, कुछ इतनी भा गई है बोलियां कौओं की दिल्ली को, ये संसद में किसी कोयल को अब गाने नहीं देती, कुछ इतनी भा गई है बोलियां, कुछ इतनी भा गई है बोलियां कौओं की दिल्ली को, ये संसद में किसी कोयल को अब गाने नहीं देती। और ये शेर अगर आप पहुंच जाए, संतोष भाई ने तो काफी बार मंचों पर मुझसे सुना है, ये शेर तक अगर आप पहुंच गए, ये शेर सुनिए कि कुछ इतनी भा गई है बोलियां कौओं की दिल्ली को, ये संसद में किसी कोयल को अब गाने नहीं देती, ये एक दिन, शेर तक पहुंचेगा, ये संसद में किसी कोयल को अब गाने नहीं देती, ये एक दिन छोड़ के चल देगी खुद ही पी की नगरी को, ये एक दिन छोड़ के चल देगी खुद ही पी की नगरी को, जो बेटी आज दफ्तर भी हमें जाने नहीं देती, ये एक दिन छोड़ के चल देगी खुद ही पी की नगरी को, जो बेटी आज दफ्तर भी हमें जाने नहीं देती, और मेरा भाई भी रहता है मेरे ही साथ एक घर में, मेरा भाई भी रहता है मेरे ही साथ एक घर में, यही ताकत मेरे दुश्मन को गुर्राने नहीं देती, मेरा भाई भी रहता है मेरे ही साथ एक घर में, यही ताकत मेरे दुश्मन को गुर्राने नहीं देती, और जमाने भर के दुख सह लेती है ससुराल में हंसकर, मगर बेटी कभी माँ बाप को ताने नहीं देती, मगर बेटी कभी। शुक्रिया भाई।